सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए, अधिकतर सोचना अच्छा नहीं होता, ये उन समस्याओं का भी निर्माण कर देता है जो वास्तव में है ही नहीं। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है, कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। आज का पंचांग 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 9:26 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 9:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:21 से 4:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 2:24 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मीन राशि 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, व्यवसाय संबंधित परेशानियां हल होगी, लेकिन तब तक आपको बोलने लिखने और काम में भी आक्रामक नहीं होना है। निजी जीवन से संबंधित परेशानियां झेल रहे लोगों को अपनों के लिए समय निकालना चाहिए। आप लंबे समय से स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी संबंधित गतिविधियों में निवेश करने की योजनाएं बनेगी जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। किसी पारिवारिक समस्या का हल मिलने में सुकून रहेगा। परिवार के बुजुर्गों के द्वारा की गई मेहनत को समझने की कोशिश करें, तभी पारिवारिक बातों को आगे बढ़ा पाना संभव हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझने की कोशिश करें। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन आप खुद ही किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं रहेंगे। हर एक बात में नकारात्मकता महसूस हो सकती है। जिस काम का आपको अभी तक अनुभव प्राप्त हुआ है उसे काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में अपेक्षा के अनुसार स्थिरता नजर आएगी। माता पिता की सेहत की चिंता सता सकती है, लेकिन चिंता का कारण नहीं होगा। सावधानियां, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय व्यर्थ न करें, क्योंकि इसका गलत प्रभाव आपके व्यक्तित्व और मान सम्मान पर भी पड़ सकता है। बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। किसी कानूनी पचड़े से खुद को दूर ही रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से कुछ खट्टास आ सकती है। एक शुष्क पतझड़ के बाद आपके जीवन में प्यार के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। कुछ समय से आपका प्रेमी आपकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों को दुगना करेगा ताकि इस अनदेखी की भरपाई हो सके। प्यार में आक्रामक ना हो बल्कि उन पलों को याद करें जो कि आपके लिए इतने महत्वपूर्ण थे। आपको अतीत की शिकायतों और पछतावों को पीछे छोड़ना होगा। बात करते हैं करियर की। आपकी लंबित कई प्रतिबद्धताएं हैं जिन्हें आपको आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा। हालांकि आप अपने आप को बेचैन, असावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। इसीलिए एक दिन की छुट्टी लें और आराम करें, यह काफी हद तक आपके तनाव को दूर करने में मदद करेगा। इस समय कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बेहतरीन स्थिति बनेगी। कोई भी पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें, किसी अनजान इंसान का सहयोग आपको आश्चर्यचकित कर देगा। नौकरी में सामंजस्य बनाकर रखें। बात करते हैं सेहत की। आज आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण आपकी चिंता हो सकती है। आप बहुत चिंता करते हैं और आज भी कोई अपवाद नहीं है, इसे आपको माइग्रेन या
अल्सर जैसी तकलीफें भी उभर सकती है। हालांकि अगर आप शांति से सोच सके तो चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ आपके सोचे अनुसार नहीं हो रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरी तरह इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को हलवे का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।